हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो हिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं. वेरी गुड, काफी सारे स्टूडेंट्स जो है जुड़ चुके हैं अभी तक. तो हेलो, हाय, हियर आई एम योर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर सोनिया एंड वेलकम टू फंडू क्लास, जहां पर हम करते हैं बहुत सारा फन, बहुत सारी एक्साइटिंग चीजों का क्रिएशन, बहुत सारा अपने दिमाग को करते हैं एक्सप्लोर और बनाते हैं कुछ ऐसा मास्टरपीस जो मजा आ जाता है देख के, है ना? तो आज हम क्या बनाने वाले हैं? तो काफी सारी डूडल्स की क्लास हमारी चल रही है, तो आज की डूडलिंग में हम ऐसा क्या डूडल बनाने वाले हैं? मुझे पता है आप लोग को डूडल्स वाली जो क्लासेस है ना, ये आप लोग को बहुत मजा आता होगा, है ना? क्योंकि डूडल्स जो होता है ना, उसमें हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं हम लोग को. हम लोग ड्रॉ करना सीखते हैं, बहुत अच्छे से ड्रॉ करना सीखते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजों के बारे में पता चलता है, इन्फॉर्मेशन गेन होती है, काफी इंटरेस्टिंग सा जो है क्लास का सेशन जो होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है. तो आज हम क्या डूडल करने वाले हैं, चलिए मैं बताऊं आप लोगों को. वैसे मैंने तो सोचा था कि आज मैं आप लोग को नहीं बताऊंगी और हम लोग बस ऐसे ही स्टार्ट कर देंगे डूडलिंग करना, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार आप लोगों को बता दिया जाए कि आज हम क्या बनाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है. हो सकता है कि कुछ बच्चों को लगे कि यार क्लास तो बहुत बोरिंग सा होने वाला है, मे बी, क्योंकि डूडल्स बनाने में बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट, मे बी. ओके, तो मे बी बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यार क्लास बोरिंग ना हो जाए, तो मैं उन लोगों को एक्साइटमेंट जगाने के लिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या बनाने वाले हैं हम लोग, तो उससे आप लोग का एक्साइटमेंट जो है ना बिल्कुल बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगा, राइट? तो आज हम बनाएंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा अभी कि क्या एक्साइटमेंट सा बनाने वाले. आज हम बनाएंगे इटली से रिलेटेड डूडल्स. और यहाँ पे देखिए कितनी सारी डूडलिंग की है मैंने, राइट? तो ये इटली से रिलेटेड आज जो है, इटली कंट्री जो है वहां से रिलेटेड आज हम डूडलिंग करेंगे और जानेंगे इटली के कल्चर के बारे में, इटली के फूड के बारे में, इटली के जो स्कल्पचर्स हैं, वहाँ का जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में जानेंगे, वहाँ के फूड के बारे में, वहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में. तो बहुत सारी चीजें जो है वहाँ के बारे में हमको आज की क्लास में जो है पता लगेगा. और देखिए इसी से आई थिंक पिक्चर से ही बहुत सारी चीजें जो है पता लग गई हैं, तो लेकिन अब हम लोग और थोड़ा सा डेप्थ में जानेंगे, ठीक है? इटली, लेकिन मतलब आपको पता नहीं है, मतलब आप लोग उस चीज को अपने लाइफस्टाइल में लेते भी हो, लाइक फूड खाते भी हो इटालियन, बट आपको पता नहीं है कि वो वहां का फेमस है, वहां उस चीज को बहुत ज्यादा लिया जाता है. तो ये चीज शायद आपको अभी तक का नहीं पता था, लेकिन आज की क्लास में हम लोग वही सारी चीजें जानेंगे. तो आप सभी लोग रेडी हो इटली का ट्रेवल करने के लिए? रेडी? तो फिर क्लासेस स्टार्ट करूं मैं? कर दूं क्लासेस को स्टार्ट? ओके, ज्यादा वेट ना कराते हुए आप लोगों को मैं क्लास को जो है स्टार्ट करती हूँ. लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम लोग जैसा हमेशा करते हैं एक आउटलाइन ड्रॉ करेंगे हमारी पूरी कॉपी में. तो आप लोग भी फटाफट से जो है एक आउटलाइन ड्रॉ कर लीजिए. तो जैसा मैंने आप लोग को आज बताया ना, हम लोग आज बनाने वाले हैं इटली के स्कल्पचर और वहाँ का फूड, वहाँ पे क्या क्या होता है, क्या कैसा कल्चर है, क्या क्या चीज़ें फेमस है, और थोड़ा वहाँ के कल्चर के बारे में जानेंगे. बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले आज. कहाँ के बारे में? इटली के बारे में. अच्छा, इटली का नेम याद आता है तो सबसे पहले याद आता है इटालियन फूड, है ना? तो मुझे पता है कि आप लोगों में से आई थिंक सभी स्टूडेंट्स, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग इटालियन फूड बहुत पसंद करते हैं, लाइक इटालियन फूड, लाइक इटालियन पिज़्ज़ा, पास्ता, है ना? ये
फेमस होता है, कहाँ का, इटली का बहुत फेमस है, फूड है पास्ता पिज्ज़ा। तो सबसे पहले हम जो है बनाने वाले हैं इडली, तो पहले हम लोग नेम लिख लेते हैं इडली का। तो डूडलिंग में सबसे पहले हम लोग नेम्स लिखेंगे, ठीक है। तो आपको जहाँ कहीं मन करे आप वहाँ लिख सकते हो। आज मैं इडली का नाम यहाँ पे लिखूँगी, ये हमेशा अलग अलग जगह पे हमें लिखना है। तो सबसे पहले मैं आई बनाऊँगी इस तरह से, ये लिखिए ऐसे ऐसे, इसके अंदर इस तरह से ऐसे बना दूँगी, फिर यूँ कर दूँगी। वेट अ मिनट। तो जैसे हमने पहले एक लाइन ऊपर बनाई, एक लाइन नीचे बनाई, और फिर हमने दो लाइन यहाँ सेंटर में बना के यहाँ पे कुछ इस तरह से बना दिया ना, ऐसे ही हम यहाँ से भी इस तरह से बना देंगे, ठीक है। आपको जैसा है वैसे बनाओ आप, ऐसे ऐसे बस इस तरह से बना देना। फिर हम बनाएंगे टी, तो अगेन टी इस तरह से, और फिर ऐसे ऐसे, और फिर टी ऐसे। फिर हम बनाएंगे ए, तो आपको बस ए ऐसे करके ऐसे ड्रॉ करना है, फिर यूँ 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 कर देना है, यूँ यूँ कर देना है। इट ली एल वाई, तो पहले हम एल बनाएंगे इस तरह से, और फिर वाई। तो ये हमने क्या किया, इटली बना लिया है। और अब हम करेंगे इसको थोड़ा सा बाउंस देने के लिए, हम इसको पूरा हम कलर कर देंगे। लेकिन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसको एक आउटलाइन और देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने दे दिया आउटलाइन। अब हम अंदर पूरा इसको फिल कर देंगे स्केच पेन की हेल्प से। तो आप लोग भी इसको बनाइए और इस तरह से इसको फिल कर दीजिए। तो इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, जब ये आपका फिल भी हो जाएगा, आपका ड्रॉ भी हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि क्या करना है, ठीक है, क्या क्या बनाना है। आज हम इटली के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमें आज पता चलेंगी। वैसे बहुत सारे बच्चों को आई थिंक इटली के बारे में बहुत कुछ नॉलेज है, और जिनको नॉलेज नहीं है तो वो आज हम जानेंगे, ठीक है। एक वर्ड है, जब हम इटली में जाते हैं ना तो कुछ इस तरह का वर्ड्स वो लोग यूज़ करते हैं, लाइक बॉन अपेटिट। जब हम लोग खाना खाते हैं तो उससे पहले ऐसा ये वर्ड यूज़ होता है, और फिर कुछ अच्छा लगता है तो मम्मा मिया, ये वर्ड्स तो आपने सुने ही होंगे, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आज की क्लास में हम लोग उसी चीज़ के ऊपर डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। और आप लोगों से भी मैं जानूंगी, आप लोग कमेंट के थ्रू मुझे बताएंगे कि आप लोग भी क्या क्या जानते हैं इटली के बारे में, ठीक है, और कौन कौन बच्चे जो है इटालियन फूड खा चुके हैं, और इटालियन फूड में उन्होंने क्या क्या खाया है। तो ये सारी चीज़ें भी आज आप लोग मुझे बताएंगे। तो देखिए धीरे धीरे आपको इस तरह से इसको ऐसे करके आउटलाइन करना। इस तरह से आप जो है इसको फिल कर सकते हैं, इस तरह से धीरे धीरे। और आप चाहो तो इसको बाद में भी आउटलाइन कर सकते हो, ठीक है, तो पूरा बाद में भी इसको फिल कर सकते हो।
अभी आप लोग मैं जैसे जैसे ड्रॉ करती जाऊँ आप वैसे वैसे बनाते जाइए। फिर हम इसको एक और आउटलाइन देंगे, वो क्यों देंगे, वो इसलिए देंगे क्योंकि अभी हमको बहुत सारी चीज़ें बनानी है ना, इसके ऊपर से ही तो एक आउटलाइन देना ज़रूरी है। तो ये हमने एक और आउटलाइन दे दिया। चलिए अब हम बनाते हैं इटालियन फूड और इटालियन कल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग आज जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इटालियन स्कल्पचर के बारे में बताने वाली हूँ। एक वहाँ पे बहुत सारे ऐसे विजिटिंग प्लेस हैं जो बहुत ही मतलब वर्ल्ड फेमस हैं और इटली में, और वो समथिंग रोमन और कैथलिक कल्चर से रिलेटेड है, है ना। तो अभी हम लोग एक रोम करके एक प्लेस है वहाँ पे इटली के अंदर, रोम करके, तो उस जगह के बारे में हम लोग जो है ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उस चीज़ को ड्रॉ करने के लिए, रोम को ड्रॉ करने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा। हम सिंपल सा, यहाँ पे मैं बताती हूँ इसके, इस जगह पे हमें सिंपल सा एक कर्वी शेप ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है, और फिर उसके ऊपर एक लाइन और ऐसे ड्रॉ कर देना है, और फिर यहाँ से ऐसे करके यू कर देना, यहाँ से यू कर देना, फिर यहाँ से एक लाइन और ऐसे अंदर की तरफ ड्रॉ करेंगे, देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर इसके अंदर हम इस तरह से बहुत सारी खिड़कियाँ बना देंगे, देखिए ऐसे करके, और एक साइड पे ऐसे ऐसे कर दें, ओके। तो ये हमारा रोम का स्कल्पचर बन रहा है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से वहां का स्ट्रक्चर है, और ऐसे करके यहाँ पे ये कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमें ऐसे थ्री पिलर्स और बनाने हैं, ठीक है, 1 2 3। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ से देखिए इधर से आपको ऐसे एक शेप लेना है यहाँ से, ठीक है, और फिर यहाँ से एक छोटा और शेप लेना, और फिर अगेन यहाँ पे ऐसे कर देना, और फिर इस तरह से जो हमने खिड़कियाँ बनाई थी वैसे ही बनाना है, फिर अंदर इस तरह से कर दीजिए, हियर इट इज डन, फिर यू, फिर यू, ऐसे ऐसे, फिर इसके ऊपर एक और बनाएंगे और फिर लास्ट बनाएंगे, ठीक है। तो लास्ट थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, तो देखिए पहले फिर से हम यहां से बनाएंगे, ऐसे उठता जा रहा है, ठीक है, फिर से यू, ऐसे और ऐसे, और फिर यू, 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 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे से ऐसे, और एक और देंगे, फिर एक और बनाएंगे, तो इसको हम ऐसे कर देंगे, और फिर से यहाँ से ऐसे और ऐसे कर देंगे, और फिर यूँ, और फिर हम कुछ पिलर्स बनाएंगे इस तरह से, पहले हमने इस तरह से खिड़कियाँ बनाई, अब कुछ हम लोग इस तरह से पिलर्स बनाएंगे, और फिर आप एक मोटा लाइन खींच के इसके अंदर 1 2 लाइन इस तरह से खींच दीजिए, तो ये हो गया यहाँ का। अब देखिए ये हमने यहाँ का इतना स्ट्रक्चर बनाने के बाद, आप लोग देखिए पहले बाद में बनाइए, है ना, और कोई भी क्वायरीज हो आप लोग पूछ सकते हैं। ऐसी एक लाइन बनानी है और फिर यूं कर देना है, फिर इसके अंदर हम इस तरह से एक लाइन, एक यू शेप बनाएंगे उल्टा, और फिर ऐसे ऐसे दो लाइन बना दें, इसको यूं कर दीजिए, फिर यहाँ पे एक लाइन बनाइए बीच में, और फिर से एक लाइन बीच में बना के यूं कर दीजिए, इसके ऊपर अगेन ऐसा ही एक और बनाना है हाउस टाइप का, ठीक है,
तो कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे दरवाजा इसका ऐसा हो जाएगा और फिर यहाँ पे ऐसी एक लाइन यू हो जाएगी। फिर अभी देखिए, जैसा हमने ऐसा बनाया ना, हमें ऐसा ही सेम इधर भी बनाना है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। जैसे ये हमारा कुछ इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से जाएगा, फिर यू हो जाएगा और फिर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ही ऊपर से एक और कुछ यू यू, फिर से इस तरह से दरवाजे और एक लाइन हम ऐसे बनाएंगे, यू बनाएंगे, एक लाइन इधर से और बना देंगे और उसमें भी हम इस तरह से खिड़कियां बना देंगे इस तरह से। और फिर ऐसे ऐसे ब्लॉक करने के बाद कुछ इस तरह से हमें खिड़कियां बनानी है और ये हो गया है ना। तो कुछ इस तरह का मतलब जो है स्ट्रक्चर है वहाँ पे, जो विजिटिंग प्लेस है वहाँ पे। और एक कुछ और स्ट्रक्चर है, वो भी मैं आपको बना के बताती हूँ। आप लोग उसके लिए क्या करिए, अपना स्केल लीजिए, आपको सिर्फ स्केल की ज़रूरत है, ठीक है। और स्केल को कुछ इस तरह से थोड़ा तिरछा रखिए, ठीक है। और स्केल की हेल्प से ही, मतलब पूरे स्केल को ही हमें इस तरह से ड्रॉ करना है ऐसे करके, ठीक है। ये देखिए कुछ ऐसा शेप बन के आ गया ना। अभी हम नीचे एक लाइन बनाएंगे ऐसे और उसमें हम बड़ी बड़ी दरवाजे जो है बनाएंगे, कम से कम फोर, ठीक है, 1 2 3 4। तो फोर हमने यहाँ पे डोर्स बनाए, फिर से ऐसे कर देंगे और अब हमें यहाँ पे छोटे छोटे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 जितना भी आपसे बन पाए, ठीक है। ऐसे ही करते करते हमें और बनाने हैं, ठीक है। बस सिंपल है, कुछ इस तरह से ही बनाना है। तो ये जो है ना बहुत ही वहाँ का फेमस विजिटिंग प्लेस है, कहाँ का, इटली का, जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं आते हैं इन प्लेसेस को देखने के लिए, है ना। तो कुछ ऐसा है वहाँ का विजिटिंग प्लेस। फिर एक लाइन हम यहाँ से पतला खींचेंगे कुछ इस तरह से और फिर यहाँ पे ऐसे कर दीजिए छोटा सा, ऐसे अगेन ऐसे, और इसमें भी हम इस तरह से तीन डोर्स बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक और स्कल्पचर बन गया है, बहुत ही इजीली वे में बन गया है। अब आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, लाइक एक पतला पेन यूज करके, एक पतला सा पेन यूज करके आप इस तरह से छोटे छोटे लाइंस हर एक में इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं ऊपर ऊपर की तरफ, ठीक है। और इस तरह से कॉर्नर कॉर्नर में थोड़ा सा इस तरह से जिग-जैग हल्का हल्का। अगर आप लोग नहीं आता है आप लोगों को तो आप लोग मत बनाओ, ठीक है। मैं हल्का हल्का जिग-जैग यहाँ पे बना रही हूँ, बिल्कुल पेन की हेल्प से बनाना है या पेंसिल की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हल्का हल्का जिग-जैग, थोड़ा सा इसको शेडिंग मिल जाती है, देखिए इस तरह से। बस इतना ही यहाँ पे इसको करना है और इसमें भी हम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा जिग-जैग कर सकते हैं, देखिए इस तरह से। इस वाले में भी थोड़ा सा इस तरह से जिग-जैग कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, इस जगह पे कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है हमारा यहाँ यहाँ पे जिग-जैग होके थोड़ा सा शेडिंग आ जाता है, थोड़ा सा उसको बाउंस मिल जाता है, देखिए इस तरह से।
ओके तो ये तो हो गया हमारा क्या, अब वहां का जो है स्ट्रक्चर हो गया, वहां के विजिटिंग प्लेस हो गया। अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वहां की फेमस है, जैसे कि इटली में बहुत फेमस एक ऑयल है, जैसे हम लोग इंडिया में घी खाते हैं ना, तो वो लोग वहां पे ऑलिव ऑयल्स खाते हैं और ऑलिव भी खाते हैं। तो वहां का जो ऑलिव है ना, कुछ इस तरह का होता है। देखिए आपने देखा होगा कुछ ऐसा, आप लोग पिज्जा में भी खाए होंगे, इस तरह से एक ऑलिव जैसा होता है ना, यू ये ऐसे ही शेप रहता है उसका, ऑलिव का। ऐसे उबल बनाना है और उसकी पत्तियां बिल्कुल छोटी छोटी ऐसी होती हैं, बस ये क्या है, एक ऑलिव है ना। तो थोड़ा सा शेडिंग और दे देते हैं यहाँ पे साइड में इस तरह से, ये देखिए यूं, यहाँ पे भी थोड़ा सा यूं, और ये हो गया। ओके तो ये हमारा जो है क्या है, ऑलिव, जिससे ऑयल भी बनता है, ऑलिव ऑयल। ठीक है, और फूड में क्या क्या खाते हैं इटालियन लोग, चलो बताओ फटाफट से मुझे मैसेज के थ्रू एज कमेंट में। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, वहाँ पर बहुत फेमस है पिज्ज़ा, पिज्ज़ा पास्ता, ये सारी चीज़ें वो लोग खाना पसंद करते हैं, है ना। तो चलो हम लोग एक बहुत बड़ा सा क्या बनाते हैं, पिज्ज़ा बनाते हैं। तो पिज्ज़ा बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे बहुत ही आपको मजा आने वाला ना, क्योंकि पिज्जा तो बनाना आप मुझे पता है सबको, आप सब लोगों का फेवरेट है। ओके तो ये जो है कुछ इस तरह से हम एक ओवल बनाएंगे, देखिए ऐसे करके, यस, और इसके नीचे से एक लाइन और न्यू देंगे। ये क्या है, ये जिसके ऊपर हमारा पिज्जा रखा हुआ है वो बेस है। ओके तो ये हमने पिज्जा का वो बनाया, अब हम बनाएंगे इसमें बेजिल लीव, वहाँ का एक हर्ब है, जैसे हम लोग कोरिएंडर लीफ यूज़ करते हैं, मिंट यूज़ करते हैं, वहाँ पे एक लीफ होता है, इसको बेजिल बोलते हैं। तो पहले हम लोग बेजिल लीफ बनाते हैं, ठीक है। तो बेजिल लीफ यहाँ के तुलसी पत्ता जो होता है ना, हमारा तुलसी का पत्ता, उसको भी वो लोग बेजिल बोलते हैं, मतलब उसी जैसा होता है वो, वैसा ही थोड़ा फ्लेवर होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये देखिए इस तरह से आपको बेजिल लीफ बनाना है। और अब हम बनाएंगे इस पिज्जा की टॉपिंग्स, लाइक कैसे, वेट अ मिनट, पहले तो हमने पिज्जा बनाया और अब हम बनाएंगे इसकी टॉपिंग्स। तो इसमें रहेंगे कुछ टमाटोज, ये देखिए ये हैं कुछ टमाटोज, ऐसे ऐसे अंदर अंदर ऐसे ऐसे डॉट्स होते हैं ना टमाटोज के सीड्स, तो ये फटाक से सीड्स बना लीजिए आप लोग भी, टमाटोज और टमाटोज के सीड्स, है ना। ये टमाटो है, आपको जैसा है वैसे बना सकते हो आप। ओके और क्या डाल सकते हैं हम लोग, जो भी आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़े से कैप्सिकम और ऑनियंस, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से इसकी टॉपिंग्स बना सकते हो, कुछ गोल्डन कॉर्न्स, ऐसे छोटे छोटे कॉर्न्स होते ना गोल्डन वाले पिज्ज़ा में, तो वो, और बहुत सारा जो है इस तरह से टैप टैप कर देंगे, मतलब ये क्या है, ये है हर्ब्स लाइक ऑरिगेनो वगैरह, ये सब डालता है ना पिज्ज़ा में, वही सारी चीज़ें हैं। वैसे पिज्ज़ा खाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए, क्योंकि पिज्ज़ा में होता है बहुत सारा चीज़ जो आपको बना सकता है फैट, और फैट जब आता है बॉडी में तो हो जाते हैं हम बीमार। और लेकिन वहाँ पे ये मोस्टली इसलिए खाया जाता है, वो लोग भी मोस्टली नहीं खाते हैं, वो वहाँ का फूड है। जैसे हम लोग के यहाँ का एक फूड है, लाइक आप समझो कि हमारे साउथ इंडियन का फूड है क्या, डोसा और वड़ा, तो वो लोग रोज़ तो डोसा और वड़ा नहीं खाते ना, वो लोग भी खाते हैं, लेकिन वो वहाँ का फेमस है। वैसे ही पिज्ज़ा वहाँ का फेमस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग रोज़ उसको खाते हैं, वो लोग और भी चीज़ें खाते हैं, लाइक ब्रेड खाते हैं, राइस खाते हैं, ये सारी चीज़ें वो लोग भी खाते हैं। इसको स्लाइस कर देते हैं पिज्जा के,
तो ये हमने क्या बना लिया है, एक पिज्जा, और अब हम बनाएंगे एक पास्ता का बाउल, ठीक है, क्योंकि वहां पे फेमस है क्या पास्ता भी। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या बनाना है, सबसे पहले एक सी शेप बनाना है, इस तरह से उल्टा सी शेप, ओके। और फिर कुछ ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये अगेन हमारा एक सी शेप बन गया। फिर इसके अंदर हम बनाएंगे फिर से बेजिल लीफ, क्योंकि वो वहाँ का हर्ब है, तो वो लोग मोस्टली हर चीज में बेजिल लीफ डालते हैं, है ना। ऐसे ऐसे करके आप बेजिल लीफ बना सकते हो। अब फिर हम बनाएंगे इस तरह से पास्ता, इधर इधर जा रहा है, इधर इधर जा रहा है, कैसे कैसे नूडल जा रहा है ऐसे करके, है ना। ओके, ये बाउल हम अंदर से इसको इतना फिल कर देंगे। तो ये हमारा बन गया बॉन अपेटिट पास्ता। यहाँ से थोड़े से लाइंस बना देंगे, यहाँ पे कुछ लाइंस हम इधर बना देंगे, कुछ नीचे बना देंगे, जैसे वहां पे फेमस है ऑलिव्स, वैसे ही वहां पे फेमस है टोमेटोज। तो हम बनाएंगे टमाटर कुछ इस तरह से, और फिर उसकी पत्तियां ऐसे करके, ऐसे ये हमारा टमाटर बन गया। ये देखिए, ये बन गया हमारा टमाटो, है ना। और वहां पे एक चीज और बहुत ज्यादा फेमस है फूड में ही, वो है, चलिए कोई बता सकता है क्या फेमस है बहुत ज्यादा। मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूंगी, आप लोग मुझे फटाफट से मैसेज करके बताइए कि ये मैं क्या बना रही हूं। ओके, कुछ बच्चे बोल तो कोशिश ट्राई तो कर रहे हैं बट गलत है, शायद अभी आपको समझ में आ जाएगा। वहां पे फेमस है क्या चीज, है ना। तो वहां पे चीज जो है बहुत फेमस है, क्योंकि पिज्जा बिना चीज के बनता नहीं है, और वो लोग बहुत चीज खाते हैं। कुछ पी चीज के स्लाइस और चीज के स्लाइस, और फिर हम ऐसे डॉट 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 कर देंगे। देखिए ऐसे कुछ सर्कल्स बनाना है, और फिर कुछ छोटे छोटे डॉट्स डॉट्स बनाने। ये हमारा जो है चीज स्लाइस बन गया है। इसके नीचे थोड़ा सा शेडिंग बना दीजिए, तो ये बिल्कुल लगता है जैसे ओरिजिनल ही रखा हुआ है, है ना। तो ये तो बन गया हमारा चीज और उसका चीज स्लाइसेस। तो ये जो है बहुत ज्यादा वहां पे फेमस है। और इटली में और क्या क्या चीजें फेमस हैं? इटली का स्कल्पचर फेमस है, इटली का, ये पहले नीचे आपको इस तरह से थोड़ा सा लाइनिंग लाइनिंग बना देना है, तो थोड़ा सा ये बहुत अच्छा लगने लगता है ना, कुछ इस तरह से रफली लाइंस बनानी है, बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं करना है, ठीक है। वहाँ पे फेमस है ऑलिव्स, ऑलिव ऑयल, पिज्ज़ा, टमेटोज, बेजिल लीफ, चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ के लोग चीज़ बहुत खाते हैं। और वहाँ पे ग्रेप्स भी फेमस है, वहाँ पे लोग
बहुत ज़्यादा बियर भी कंज्यूम करते हैं, लाइक हम लोग जैसे पानी पीते हैं ना वैसे वो लोग बियर पीते हैं, तो वो अच्छी चीज़ नहीं होती है, बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होती है, बट वहाँ के लोग वो का कल्चर है वैसा, है ना। और जैसे हम लोग घूमते हैं ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ के लोग जो है ना मोस्टली लोग स्कूटर या इस बाइक में ट्रैवल करना पसंद करते हैं, कार में बहुत ज़्यादा रिच जो होते हैं वही लोग ट्रैवल करते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो कि वहाँ पे बाइक में स्कूटर्स में ट्रैवल करना लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ का लोकल जो लोग होते हैं ना वो लोग मोस्टली स्कूटर में ही ट्रैवल करते हैं। तो एक हम इस यहाँ पे बनाएंगे स्कूटर, तो देखिए फटाक से देखिए हम लोग किस तरह से स्कूटर बनाने वाला है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे एक ऐसे एक शेप बनाना है इस तरह से उल्टा यू, ओके और फिर उसके यहाँ पर इस जगह पे हमें यूं करके यूं ऐसे बनाना है और फिर ऐसे करके यूं कर देना और फिर यूं कर देना, ठीक है। एक और यू बनाया हमने और ऐसे कर, तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे बना देना है, ठीक है। मैं धीरे धीरे बना रही हूँ, आप लोग भी साथ में बनाते जाइए। फिर यहाँ पे ऐसे एक शेप बनाना है और ऐसे एक शेप बनाना, फिर इधर ऐसे कर दीजिए, तो ये क्या बन गया हमारे स्कूटर का टायर बन गया, है ना। फिर यहाँ पे आप बनाएंगे हेडलाइट लाइट और फिर इस तरह से यूं यूं, कुछ लाइंस इस जगह पे, अब देखिए ये हमारा सामने का हिस्सा बन गया। अब देखिए हम बनाएंगे इसके ऊपर का हिस्सा, सबसे पहले एक सर्कल बनाइए इस तरह से और सर्कल के अंदर कुछ इस तरह से लाइंस बना देंगे हम और फिर इस तरह से यूं करके बस हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे कर देना है और ऐसे कर देना है, तो ये क्या बन गया हमारा स्कूटर का हैंडल, जिससे कि इस स्कूटर को हमारे स्कूटर को चलाएंगे। अब हम बनाएंगे उसकी सीट, तो देखिए सीट भी बहुत इजी है, हमें इस तरह से एक सी बनाना है सी शेप और ऐसे कर देना और फिर यहाँ पे ऐसे कर देना है, ऐसे ऐसे कर देना और फिर यहाँ से एक लाइन हम ऐसे करके यहाँ लगा देंगे, एक लाइन यहाँ से करके यहाँ लगा देंगे और इसके ऊपर बना देंगे इस तरह से सीट, ये हमारा सीट है। और कुछ इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा शेडिंग दे दीजिए ऐसे करके और यहाँ पे एक इसकी दूसरा वाला जो व्हील है उसको बनाएंगे कुछ इस तरह से, देखिए ये हो गया है। तो आज आप लोगों ने स्कूटर बनाना भी आई थिंक सीख लिया है। इस तरह से नीचे थोड़ी सी शेडिंग देते हैं ना तो वो लगता है कि जैसे वो रखा हुआ है उस जगह पे। ये देखो टोमेटोज के नीचे भी थोड़ा दे दिया मैंने, यहाँ नीचे भी थोड़ा सा शेडिंग यहाँ पर दे दीजिए, इस जगह पे भी थोड़ा सा नीचे इस तरह से जो है शेडिंग दे दीजिए। तो आज हमने काफी सारी चीजें जानी है और हमने ड्रॉ किया है किसके बारे में, इटली के बारे में। तो जैसा आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, अब ये जो खाली खाली जगह है यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हो, लाइक हार्ट बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें तो बस डिजाइन ही बनाना है जगह को फिल करने के लिए इस तरह से हार्ट शेप्स एंड जो भी आपको ऐसा बनाने का मन करा वो बना सकते हो, ठीक है। तो बस मैंने तो ऐसे ही बना दिया थोड़ा।
कुछ इस तरह से टैप टैप करके कुछ डिजाइन है, बस इसको हमको थोड़ा सा भरना है इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, इसको जरूरी नहीं है, आप नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। तो क्लास जो है यहाँ पे फिनिश होती है, मतलब हमारी जो ड्राइंग है आज की वो फिनिश होती है, हमारी डूडलिंग फिनिश होती है। तो क्या क्या जाना हम लोगों ने, मैं आप लोगों को एक फिर से एक छोटे से वर्ड्स में आपको बताती हूँ। इटली एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर लोगों को खाना घूमना बहुत पसंद है, वहाँ का फूड वर्ल्ड फेमस है, जो हम लोग भी मोस्टली खाते हैं, लाइक इटालियन पास्ता, इटालियन पिज़्ज़ा एंड ऑल। वहाँ का चीज़ फेमस है, वहाँ का ऑलिव फेमस है, वहाँ का ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा फेमस है। वो लोग अपने फूड में मोस्टली क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल जो होता है वो ऊपर से भी डाल के स्प्रिंकल करके भी खाते हैं, उनको इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ का जो कल्चर है वो रोमनिस्ट कल्चर है और रोम से रिलेटेड है, कैथोलिक कल्चर वहाँ पे है। वहाँ पे की जो लैंग्वेज है वो इटालियन लैंग्वेज वो लोग बोलते हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, लोगों के साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं, लोगों के साथ बहुत फ्रेंकली बात करते हैं, उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा होता है, सबके साथ बहुत अच्छा होता है, और वो लोग नई नई चीज़ें खाना बहुत पसंद करते हैं। बट वो लोग हमारी तरह इतना स्पाइसी खाना नहीं खाते हैं, वो लोग थोड़ा सा डेंसिटी वाला खाना खाते हैं, लाइक उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं होता है, बस बहुत ज़्यादा चीज़ होता है, जैसे कि चीज़ ही है ना। और वहाँ के लोग घूमना पसंद करते हैं, इधर उधर जाना पसंद करते हैं, म्यूज़िक पसंद करते हैं, ऐसी ये सारी चीज़ें हैं जो वहाँ के बारे में मैं जानती हूँ, जितना उतना मैंने आप लोगों को बताया। आई थिंक आप लोग मेरे से ज़्यादा भी जानते होंगे, या जिनको नहीं पता होगा तो आज उन लोगों ने भी इटली के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी है ना। वहाँ के जो लोग मोस्टली फूड में खाते हैं वो ब्रेड्स खाते हैं मोस्टली, क्योंकि वहाँ पर हमारी तरह से चपाती और राइस तो नहीं बनता है, तो वो लोग मोस्टली ब्रेड खाते हैं, ब्रेड के साथ वो लोग अलग अलग वेजिटेबल्स खाते हैं, है ना, फ्रेश वेजिटेबल्स भी खाते हैं, है ना, पैक्ड वेजिटेबल्स भी खाते हैं। तो हर तरह का वहाँ पे फूड ऐसा चलता है वहाँ पे, ठीक है। और क्या जानती हूँ मैं इटली के बारे में, चलो मैं और भी बहुत सारी चीज़ें जब जान जाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। अभी तो मुझे इतना ही पता है इटली के बारे में। और जो है हमारी पेंटिंग यहाँ पे फिनिश होती है, तो मैं बाय बाय कहने से पहले आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगी कि आप लोगों ने जो भी बनाया है, जितना भी बनाया है, वो आप लोगों को शेयर करना है फंडू क्लास के इंस्टा और फेसबुक आईडी पर, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। और आप लोग शेयर कर सकते हैं, और आप लोग कोई भी आप लोगों को क्वेरीज हो वो आप पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं उनका जवाब भी दूंगी, ठीक है। तो कोई भी डाउट्स हो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक की थी, अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय।